सर खाने में क्या है यार? जहर। वो तो तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है? तुम्हारी माँ जी को छोड़ेंगी फ्रिज में तो खाओगे ना? यार ऐसी भी क्या बात है, कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा ना। फ्रिज छोड़ा होगा, खा सकते हो तो खा के सो जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, माँ जी के हाथ के खाने खा खा के बोर हो गया था। तुम एक काम करो खूबसूरत, सुबह सहरी में पराठों के साथ निहारी बना लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपना पेट देखो। दिमाग खराब हो गया तो पेट क्यों देखूं? दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है दिमाग। पेट वो तो मैंने खुद निकाला हुआ है, आजकल रोज शो होता है ऐसे। इतना अच्छा मौका मिला है डाइट करने का, भाई एक दूध का ग्लास पियो और रोजा रख लो। क्या तंग मत करना। खूबसूरत पेट नींद नहीं आती मुझे। माँ जी जबरदस्ती ना करें। क्यों ना करूँ हाँ, इतने प्यार से जो बनाया मैंने इनके लिए, तू दूध पी शाबाश। मैंने सुबह पर्चा देने जाना जो दूध पीऊँ या मैं रिक्शे से गिराऊँ? अरे टोको मत बेगम, उसके पेट में दर्द होगा। आप तो खाना ना थोड़ा सा। वो गुंजाइश नहीं है। ना ना थोड़ा सा और खाना अपनी प्लीज, थोड़ा सा और। नहीं खाना, पेट भर गया आपका, थोड़ा सा और खा। अच्छा माँ जी छोड़ दे, अब तो इनके मुंह से वापस आ रहा है खाना। जाया हो जाएगा ना बेटा, जिस तरह आप खिला रही है ना, जाया ही होगा। चलिए शाबाश, उठी अब आप वो करें। शाबाश वो क्या? वो जो दांतों में करते हैं ब्रश। हाँ हाँ ब्रश, शाबाश। चले ये जो तुम मुझे करने के लिए कह रही हो वो ब्रश है? हाँ जी ब्रश। बाकी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मैंने भी छोड़ दिया है। खूबसूरत खूबसूरत क्या है? ऐसा नहीं चलेगा। कौन? तुम्हें पता था कि रात मैंने खाना नहीं खाया, फिर भी तुमने शहरी में सिर्फ एक ग्लास दूध बनाया। मैंने बनाया नहीं है, बस मंगवाया था। वैसे तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। कौन सा? मैंने तुमसे मंगवाया नबीर, इतना क्यों शोर कर रहे हो? बस खूबसूरत शहरी तो मैंने जैसे तैसे कर ली है, लेकिन अफतारी में मुझे मेरी पसंद की चीजें चाहिए। ऐसा सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि रमजानों में तुमने अपना वेट कम करना है। रात कह रही थी कि पेट कम करना है, अब कह रही हो कि वेट कम करना है। हाँ। अगर वेट ही कम कराना है ना, तो अपने पापा का वेट कम कराओ। उन्हीं का वेट कम करवा रही हूँ, क्योंकि इस पूरे घर का खर्चा वो चलाते हैं। खूबसूरत शट अप, सोने दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नबील। मेरा नाम नबीला है। मेरा नाम नबील है। अरे वाह, हमारे नाम कितने मिलते जुलते हैं। कितने? बहुत। आप कौन? नबीला। मतलब आप कैसे आई? मैं चलकर। आपके पास गाड़ी नहीं है? तीन तीन गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ी में मैं चल नहीं सकती। सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। नहीं मेरा है। कहाँ से आई हैं? मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा, आपके लिए अफतारी लेकर आई हूँ। आपको कैसे पता कि मेरे लिए सहरी और अफतारी बनाने वाली कोई नहीं है? मुझे नहीं पता। अब तो पता चल गया ना जी।
आप कहें तो मैं आपके लिए रात का खाना और सहरी भी ले आऊं। रात का खाना देर से दीजिएगा। क्यों, आप देर से खाना खाते हैं? जब सब सो जाते हैं तब खाता हूँ, तभी आइएगा। लेकिन जब मैं सो जाऊंगी तो फिर खाना कैसे लाऊंगी? अरे तो आप जागती रहिएगा ना। हाँ अब तो जागना ही पड़ेगा। ओके खुदा हाफिज। Oh my God! Oh my God! Nabeel, आजो, खजूर से इफ्तार कर लो। खजूर से इफ्तार करो तुम? मेरी तो इफ्तारी आ गई है। ये किससे मांग के लाए हो तुम? मांग के नहीं लाया, दरवाजे पे आई है। इफ्तारी? नहीं वो। वो कौन? नहीं बताऊंगा। चलो आई गई है तो दोनों मिलके कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इफ्तारी माँ जी। एक नवाला नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, इसको सिर्फ मैं और मेरा बेटा खाएंगे, क्यों यस? बिल्कुल नहीं। हाँ तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देख रहे हो? वक्त पता करने के लिए खूबसूरत। तुम वक्त का क्या करोगे? गुजारूंगा। तुम क्या कह रहे हो नबील? यार जो राइटर ने लिखा है वही बोल रहा हूँ। ओफ। सो रही हो? हाँ। कोरमा। आपको कैसे पता कि मुझे कोरमा पसंद है? आप ही ने तो कहा था कि मुझे कोरमा पसंद है। आपको भी कोरमा पसंद है? नहीं। हमारी पसंद कितनी मिलती? मैं चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे हमारी तो हरकतें भी मिलती हैं। मैं जाऊँ? अंदर आए ना, सब सो रहे। नहीं मैं अपने घर जाकर सोऊंगी। अच्छा जी ठीक है, फिर सहरी में मुलाकात होगी। ठीक है बाय बाय। जी कौन आया था? कोरमा। दरवाजे पे कौन आया था? दरवाजे पर ही तो कोरमा आया था जानू। मैंने अपने कानों से किसी लड़की की आवाज सुनी है। कोरमे में से? नबील सच सच बताओ कि ये कौन देखकर गया तुम्हें? मुझे क्या पता जानू, मैं तो दरवेश आदमी हूँ, अल्लाह की तरफ से खाना आता है, आज कोरमा आ गया। तुम छुपा रहे हो ना मुझसे? कोरमा? लड़की? ये लड़की का नहीं मुर्गी का कोरमा है जानू। एक बात है। क्या? तुम्हारे हाथ में ना जायका बहुत है। छोड़े मेरे हाथ ना, छोड़े आप खुद खाएं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। अरे नहीं मेरा मतलब था कि जो तुम पकाती हो ना तो तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है, दिल चाहता है उंगलियां चबा लो। तो मैं खाना कैसे पकाऊंगी फिर है? अरे नहीं मैं अपनी उंगलियों की बात कर रहा हूँ भाई। मैं आपकी उंगलियाँ नहीं बना सकती भाई। अरे लेकिन मेरी उंगलियाँ तो बनी हुई हैं। कहाँ? मेरे हाथों पर। ये असल नहीं है? तुम खाना खिलाओ ना मुझे। आइए आइए आइए, इसको अपना ही घर समझे। ये कौन है? ये ट्रे है मनू साहब। ट्रे? ये कैसा नाम है भाई? मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ, ये कौन है? ये लड़की है। मैं नबीला हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। आप बैठिए ना। ये लोग कौन है? मेरी वालदा है और ये उनके शौहर। यानी आपके वालिद? नहीं मेरे वालिद मर चुके हैं। आपके वालिद मरने के बाद भी आपकी अम्मा से मिलने आते हैं? हाँ माना बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं अजमल। अजमल कौन? मेरे शौहर। आपका नाम अजमल है? जी नहीं महमूद जी। आप समझेगी नहीं। हाँ तो बड़ी वो है ना। वो क्या? वो जो बड़ी नहीं होती है। चूंटियाँ? नहीं वो जो चूंटियाँ होती हैं। चूंटियाँ क्या होती हैं? चूंटियों का नहीं पता आपको? वो छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी छोटी। हाँ हाँ तू अभी छोटी है ना।
आपकी शादी नहीं हुई? कब की? महबूब साहब, कब की नहीं हुई? कब से कह रहे हैं कि कब करोगे? नबील, ये कौन है? फरीद की बीवी। फरीद कौन है? कौन फरीद? मैं नबील की बीवी हूँ। खूबसूरत? हाँ है तो बहुत खूबसूरत। अच्छा आप लोग सहरी करें, मैं अफ्तारी पर आऊंगी। ठीक है, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। नबील आ रहा हूँ, चले मैं आपको। आप नाराज तो नहीं है? किससे? उसकी तो नौबत ही नहीं आई। किसकी? जी ये आप क्या बोल रहे हैं? I'm really sorry, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है। हैं? हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच? जी। ये बताएं कि आप इफ्तार में क्या खाएंगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आ रही थी जानू, तुमने देखा नहीं? शादीशुदा होकर दूसरी लड़की से चक्कर चला रहे हो? खूबसूरत, वो दूसरी लड़की नहीं है, पहली लड़की है। अलबत्ता तुम दूसरी बीवी कह सकती हो। क्या? अरे हाँ, तुम मेरी बीवी होकर भी इतना ख्याल नहीं रख सकती जितना वो मेरी बगैर बीवी हुए रख रही है। आवाज ऊंची करके मुझसे बात ना करो। अरे बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, बस अपने काम से काम रखो। नबी शराब। तो इसकी आंखों में वो क्यों नहीं है? काजल? नहीं, वो जो रुमाल से पूंजते हैं ना। नाक। माँ जी मेरी आंखों में नाक क्यों होगी? नहीं, वो जो मगरमच्छ के होते हैं। दांत। आप लोग मेरे आंसुओं का मजाक उड़ा रहे? हाँ हाँ, इसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? बह गए। वो कौन? आंसू। अच्छा मोमो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? लड़की के घर वालों को बताना होगा। कौन लड़की? वही जिसपे नबील फदा हो गया है। माँ जी कौन नबील? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ठीक है, अपने पापा के घर चली जाओ। क्या? हाँ? और इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? मैं अभी मरा नहीं जिंदा हूँ, और इतनी ताकत है मेरे बाजुओं में, मैं तुम्हारे बाद जिस लड़की को गोद में उठा के लाऊंगा उसके बाप के पास तुमसे ज्यादा पैसे। नबी अभी फोन करो उस मोटे बुढ़े सांड को कि तुम्हें आगे यहां से ले जाए। क्या? हाँ, गुड बाय बेबी, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। बस मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई आपके लिए। लगता है आपके घर तक आवाजें आ गई थी। किस चीज की? फ्यूचर की। हाँ। अंदर आए? नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे शौहर मुझे लेने आए हैं। हमारी सुलह हो गई है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, हमारा ना झगड़ा हो गया था और मौलवी साहब ने कहा था अगर मैं 3 दिन लगातार किसी गरीब या मिस्कीन को इफ्तारी और सहरी करवाऊंगी तो हमारी सुलह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं ईद पर आपके लिए कपड़े जरूर भेजूंगी, आप प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बाय। अब तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खूबसूरत खूबसूरत। ओके पापा, बाय। खूबसूरत, अंकल को फोन मत करना। मैंने कर दिया है। क्या? जी हाँ, वो कल मुझे लेने आ रहे हैं। सच?
बड़ा मजा आएगा। मैं अंकल को वापस नहीं जाने दूंगा, अपने हाथों से उनके लिए सहरी और अफतारी बनाऊंगा। ईद तक नहीं जाने दूंगा मैं उन्हें। क्या? हाँ जानू, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए भी सहरी और अफतारी बनाऊंगा। क्या? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।